थोड़ा सा बचा के क्रैक तो नहीं होगा? हो तो रहा है। अरे अरे बच के बच के बच के बच के सो वी विल हैव इट। ऑसम भाई, ठंड बहुत लग रही है, मुंह से बोला तक नहीं जा रहा है, लेकिन एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू वर्जिन बर्फ आपको हर जगह देखने को मिलेगी। सफेद बर्फ की चादर, देखिए बर्फ पे निशान किस चीज के हैं। अविरल भाई बोल रहे हैं कि ये तो चीते के पैर के निशान है। मेरे मुंह से अभी भी ठीक से आवाज़ नहीं निकल रही है, मुंह बज रहा है, होठ काले हो गए हैं। ये पॉटर हिल है, ये रिजर्व एरिया है जंगल का। हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ की बर्फ एकदम अनछुई अनटच लग रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर मैं आपको दिखाऊंगा बर्फ। ये दूसरा दिन है बर्फ का, कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था, आज दूसरा ब्लॉग है। और आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज के ब्लॉग में मैंने बुलाया है अपने बड़े भैया अविरल भाई साहब को, तो बाकी चीज़ें वही समझाएँ क्योंकि वो खुद ही यहीं से हैं, खुद हिमाचल प्रदेश से हैं, चंबा से, और उन्हें सब कुछ पता है हिमाचल प्रदेश के बारे में, पहाड़ों के बारे में। तो मैं आज उनसे आग्रह करूँगा कि वो सारी चीज़ समझाएँगे आपको। और ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए जस्ट एवरीथिंग। तो ये जो है प्रकृति का करिश्मा ही है कि हम लोग आज तक सोचते थे कि बर्फ नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, गिर गई। अब फरवरी आ चुकी है, बहुत बढ़िया। लेकिन कल प्रकृति ने अपना ऐसा रंग दिखाया ना, बहुत बढ़िया। 2 घंटे के अंदर पहले बर्फ गिरी, फिर ओले गिरे, हाँ, फिर बारिश भी आई बीच में, और उसके बाद धूप भी आई, बिल्कुल। और आज देखिए क्या नजारा है आज, बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ उधर। सो वैभव जी, आपका हम स्वागत करते हैं वॉक द फॉरेस्ट में। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जब यहाँ पर आए तो एक नाव उम्मीद की थी आपके अंदर, एक एक, एक मायूसी थी कि 2 साल से बर्फबारी यहाँ शिमला में नहीं हुई है, बिल्कुल। और आपका मन था कि यहाँ पे हो, तो जब ये आपका सपना साकार हुआ और भगवान ने आपकी सुन ली, तो आपको एक सेंटेंस में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भाई, अगर आप इंतजार करते हैं किसी चीज के लिए जी, तो बढ़िया चीज मिलती है, बिल्कुल। आप देखिए इधर, मतलब ऐसी बर्फ तो यहाँ मनाली में कुफरी में ही मिलती है जी, बहुत ऊपर जाके, ये तो पूरी रुई लग रही है, रुई, हाँ, है ना। तो इंतजार किया मैंने, 2 महीने से रुका हुआ था जी, और उसका फल मिल गया, बिल्कुल। सामने बिल्डिंग ऐसी लग रही है जैसे कि पेस्ट्री है। आज सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरे कमरे के बाहर ये सीन था। मैं जाऊं इस पे? कुछ नहीं होगा ना भाई, रिस्की तो है, देखिए जमी हुई झील लग रही है, देखो जरा थोड़ा सा बचा के, क्रैक तो नहीं होगा? हो तो रहा है। अरे, 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 बच के बच के बच के। भाई ठंड बहुत लग रही है, मुंह से बोला तक नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे प्यारे भैया अविरल भाई देखिए सारी व्यवस्था लेके चले हुए हैं। हाँ, चाय लेके आया थर्मस में, कॉफी का पैकेट रखे हुए हैं। ये बात यहाँ की नहीं है, ये बात जिंदगी की भी है कि हमें व्यवस्था पूरी करनी चाहिए हमेशा हर चीज की। तो ये सब लेके आए हैं, अब मैं पहले चाय पीऊंगा क्योंकि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है सही से। तो बच गए, ये जमी हुई बर्फ है, जमी हुई झील कह सकते हैं, छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे पहले पशुओं के लिए पानी वानी भरा रहता था। अविरल भाई इसमें रिस्क लेने जा रहे थे, पहले ही चेतावनी मिल गई, लेकिन हाथ से ही देखिए, हाथ से ही क्रैक हो गया। एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू वर्जिन बर्फ आपको हर जगह देखने को मिलेगी, सफेद बर्फ की चादर। देखिए सब बंद हो गया है, आ जाइए आप भी। यहाँ पर कोई नहीं गया ना बकलोल, यहाँ पर कोई नहीं है। अबे चाय पी ले, ठंडी जाएगी, सुन यहाँ पर कोई नहीं गया है, सब मैं आया। जिंदगी में पहली बार गिरा बर्फ।
हम लोग अभी जा रहे थे और ये देखिए बर्फ पे निशान किस चीज के हैं। अविरल भाई बोल रहे हैं कि ये तो चीते के पैर के निशान है, टाइगर्स पॉ है ना, टाइगर नहीं लेपर्ड। तो बोल रहे हैं कि उसके पैर के निशान है। चार उंगलियां होती हैं क्या इसकी, पता नहीं चला, वो तो भालू ना हो गई है। यहाँ से गया जंगल और वहां से वहां होता था, वो तो झाड़ी में गया पहले साला। हाँ यस, और देखो कितना बड़ा पंजा, देखो ये देखो मेरे हाथ के बराबर। बोल रहे हैं ये भालू के पैर के निशान है और ये चले गए हैं देखिए जंगल की तरफ। मैं अभी सो रहा था कि अविरल भाई ने आके बताया भाई चलो चलते हैं, ऐसा सीन फिर नहीं मिलेगा। तो हम लोग तुरंत आ गए। अविरल भाई यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं, मैं इनको मना कर रहा हूँ रहने दो भाई शर्ट उतारने को, लेकिन फिर भी सी द लॉर्ड इज सो यू नो ही इज मर्सीफुल ऑन अस दैट ही हैज गिवन अस लॉट ऑफ आइसक्रीम टू ईट। ओके, सो यू विल हैव इट। Awesome, awesome. So guys, I just wanted to tell you something that we are blessed to, you know, be born in this state, and we should be thankful every day to the God, to the Almighty, that we are living in such a clean and fresh environment. And कभी कभार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं शुक्रिया अदा होना, तो हमें इस पूरी environment को we should conserve it, we should prevent littering at various places. Certainly ये जो place है यहाँ पे हम littering ना करें, क्योंकि लिटरिंग से क्या होता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्वच्छता बनाएं, बी क्लीन, एंड अल्टीमेटली अगर आप एनवायरनमेंट साफ रखोगे तो तुम्हारा साइकोलॉजी और तुम्हारा जो दिमाग है वो भी साफ रहेगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड नो मैटर व्हाट, चाहे स्नो गिरे चाहे कुछ भी हो, यू शुड कम एंड यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर फिजिकल you know strength and your physical well-being. तो अभी हम अभी आप लेपर्ड की बात कर रहे थे ना। एक्चुअली क्या है कि लेपर्ड जो है वो खासकर जो स्नो लेपर्ड है जो यहाँ का जो राज्य जानवर भी है, तो स्नो लेपर्ड जो है वो थोड़ा सा इस बर्फ वाले समय में जब बर्फबारी हो जाती है तो वो जंगलों में शिकार के लिए निकलता है। अच्छा, कहीं ना कहीं तो वो अभी इस वक्त हमें मिल भी सकता है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो दिख भी गया तो वो हमें कोई सुबह उठ के मारने के फिराक में नहीं आया था। अगर हम वहीं जहाँ पे खड़े वहाँ शांत रहेंगे तो हमारा वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये लेपर्ड दिन में भी आता है बर्फ गिरने के बाद? हाँ, वैसे तो नॉर्मली रात में आता है ना। नहीं, रात में भी आते हैं, लेकिन क्या है कि स्नो जब आती है तो कहीं ना कहीं जो नर लेपर्ड है वो देखिए टेस्टोस्टेरोन तो हाई रहता है उसका, ठीक है, तो वो एक रोमांच के तौर पे बाहर निकलता है। अच्छा, इसलिए उसे स्नो लेपर्ड कहते हैं क्योंकि स्नो में वो निकलता है। अच्छा जी, हाँ ओके। तो अभी है संभावना, लेकिन ठीक है, हमें वो दिख जाएगा क्योंकि जब बर्फ नहीं पड़ी होती है तो कैमोफ्लाज हो जाता है वो प्रकृति में, लेकिन अब बर्फ के साथ उसका जो कंट्रास्ट है वो हम शायद थोड़ा सा एडवांटेज पोजीशन पे हैं, हम उसको देख के बिल्कुल शांति से वापस हो जाएंगे। ओके जी, तो कल रात मैं जगता रहा पूरी रात भर, लगभग 4 बजे सोया मैं जी, और खिड़की खोल ही रखी थी मैंने, देख रहा था रात भर जो है बर्फ ना रुई के फाहे जैसी गिरती रही। मैं काफी पीता रहा, लिखता रहा चीजें, और फिर रात बीत गई। फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग नींद आई थी लगभग 5 बजे के आसपास, फिर लेकिन अविरल भाई ने उठाया कि चलो चलते हैं देख के आते हैं, सोना तो रोज ही है ना, बेड अपना कमरा अपना हो, कहाँ जाने वाला, बर्फ हो सकता है कल ना रहे। तो इसलिए हम लोग आ गए सुबह सुबह, बढ़िया चाय वाय की व्यवस्था कर ली है, चाय कॉफी की पीते हुए चल रहे हैं। हमारा समर हिल का छोटा सा कस्बा है और हम लोग वहाँ पे रहते हैं। ये पॉटर हिल है, ये रिजर्व एरिया है जंगल का, हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ की बर्फ एकदम अनछुई अनटच लग रही है।
मेरे मुंह से अभी भी ठीक से आवाज़ नहीं निकल रही है, मुंह बज रहा है, होठ काले हो गए हैं, लेकिन यही सब तो प्रभाव है बर्फ़ का। और धूप देखिए कितनी चटक आ रही है, ऐसी धूप की सर चटका दे। तो चलिए कोई बात नहीं, मौसम तो साफ़ हुआ ही है और धूप भी बढ़िया आ रही है। बर्फ़ की ख़ास बात है पहाड़ों पे, आपका बर्फ़ से जो है फ्रॉस्ट वाइट भी हो सकता है और धूप इतनी साफ़ आएगी कि सर चटक जाएगा आपका, तो दो चीज़ें साथ में हो सकती हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर आपको हमारा काम, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और देखते रहिए जस्ट एवरीथिंग।